आइए थोड़ी देर के लिए हम सच्चित आनंद की ओर लौट चलें, अपने स्वभाव की ओर लौट चलें, सुरति का दिया जलाएं, सेल्फ रिमेम्बरेंस में अपनी स्मृति में लौट चलें, जो विस्मृत हुआ है उसे पुनः याद कर लाए। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आपका देखना उद्घाटित होता है। बहुत स्वाभाविक रूप में रहना, देखने की कोशिश न करना, अपनी ओर से कोई कल्पना भी नहीं करना। मेडिटेशन इज जस्ट ए नॉन डूइंग स्टेट। नॉन डूअर होकर के भीतर की डूइंग्स को देखते रहना। बहुत सहज, सरल, साधारण होकर के जागे जागे रहना। जो भी तुम्हारे समक्ष घटित हो रहा है, जो जो प्रोजेक्ट हो रहा है, आप उसी को देखते रहना। अंधेरा ही क्यों ना हो, अंधेरों से ही रास्ता पटता है। अंधेरे बता रहे हैं कहीं ना कहीं प्रकाश भी है, बिना प्रकाश के अंधेरा नहीं होता। अंधेरे इंडिकेट करते हैं भीतर कहीं प्रकाश भी है। आप लगातार हर स्थिति का अनुभव लेना, करना कुछ नहीं, जागे जागे रहना। अपनी ओर उन्मुख रहना, जागे जागे बार बार वापस लौटना अपने स्वभाव में, मन के स्वभाव में बार बार खो जाना, लॉस्ट हो जाना, आइडेंटिफिकेशन हो जाना, ये सब आदतें अपने आप टूटती चली जाती हैं। आप अपने स्वभाव में, अपनी सुरति में, अपनी रिमेम्बरेंस में रहना। करना कुछ नहीं, मौन पूर्वक मुदित भाव में जागे जागे वही देखना जो हो रहा है। वो चाहे कितना यूजलेस है, कितना भी अननेसेसरी है, कितना भी गैर जरूरी है, सब जो जो उठ रहा है विदा होगा, उठते ही विसर्जित होता चला जाएगा। गैर जरूरी विचारों का विसर्जन बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक, अति आवश्यक, इंडिस्पेंसेबल है अपने आप को स्वस्थ सुखद बनाए रखने के लिए। बहुत सुखपूर्ण, प्रेमपूर्ण, आनंदपूर्ण रहने के लिए अपना भीतर का आंगन साफ सुथरा, अपना अंतःकरण साफ सुथरा रखना। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। माइंड के साथ लगती ही हम डुअलिस्टिक स्टेट में उतर जाती हैं, डुअलिटी के शिकार हो जाती हैं। पॉजिटिव पहलों बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव वर्क करता है, नेगेटिव पहलों उसे बिगाड़ के रख देता है। मेडिटेशन है एकमात्र मेडिसिन इस नेगेटिव माइंड की, बढ़ावा देती है पॉजिटिविटी को।
जाके जाके रहना, अब अभी में रहना, अब अभी में, प्रेजेंट मोमेंट्स में। जब जब तुम जागते हो तुम वर्तमान में होते हो, जब जब तुम अपनी सुरती में, अपनी स्मृति में, अपनी रिमेम्बरेंस में लौटते हो, अपने स्वभाव में होते हो, तुम विराट होते हो, तुम वर्तमान में होते हो, अपनी स्वाभाविक स्थिति में, तुम अपनी रियल रेजिडेंस पर होते हो। तनिक मात्र भी प्रेशर ना पड़े, जोर जबरदस्ती नहीं देखना, कोई कोशिश नहीं करना देखने में, कोई प्रयास कोई यत्न नहीं करना देखने में, सहज सरल साधारण होकर के निरंतर अपनी ओर जागी रहना। आप देख ही रहे हैं स्वाभाविक रूप में, बाहर से भीतर की ओर थोड़ा सा क्या टर्न किया कि जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। जीवन की यात्रा प्रारंभ हो गया, अपनी और उसी तरह जागे रहना जैसे बाहर की ओर जागते हो। अपना खेल, अपनी फिल्म, अपनी कहानी स्वयं देखना। बाहर के टेलीविजन पर तुम दूसरों का देखते हो, माइंड के टेलीविजन पर तुम अपना देखते हो। कैसे सुकून पाऊं, तुम्हें देखने के बाद, तुम्हें देखने के बाद। कैसी सकून पा तुम्हें देखने के बाद, कैसी सकून पाओ। मेडिकल स्टोटालिटी इट्स अ थर्स फॉर द हंगर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, अल्टीमेट गोल ऑफ माय ह्यूमन। देखते ही तालमेल बैठ जाता है जहां, देखते ही तालमेल हो जाता है जहां, यही आवाज पहुंचती है। कैसे सुकून पाऊं तुम्हें देखने के बाद, तुम्हें देखने के बाद। अब क्या मैं गीत गाऊं, रिझाओ तुम्हें देखने के बाद, कैसे सुकून पाओ।
नजरों में ताबेदीद भी अब कुछ बची नहीं, नजरों में ताबेदीद भी अब कुछ बची नहीं, किससे नजर मिला किससे नजर मिला, तुम्हें देखने के बाद तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिला, तुम्हें देखने के बाद तुम्हें देखने के बाद जलवा किसी का हो या तजल्ली किसी की हो, जलवा किसी का हो या तजल्ली किसी की हो, चाहे कोई कितना नूर उतारे, है देखना हराम तुम्हें देखने के बाद, है देखना हराम दाएं बाएं तुम्हें देखने के बाद किससे नजर मिला, तुम्हें देखने के बाद तुम्हें देखने के बाद मैं कैसे अब क्या मैं गीत गाऊं तुम्हें देखने के बाद, कैसे सकूं तुम्हें देखने के बाद, तुम्हें देखने के बाद का एहतराम भी, अरे राम बादशाह मिशर के बादशाह के महलों में इनवाइटेड निमंत्रित रॉयल मास्क में खड़ा होता है बादशाह के साथ नमाज पढ़ने के लिए, किंतु नमाज नहीं पढ़ पाता। बादशाह ने कहा था मेरे साथ साथ नमाज पढ़ना, बादशाह नमाज नहीं पढ़ रहा, नमाज पढ़ रहा है किंतु खुदा को रिझाने के लिए नहीं, खुदाई को पाने के लिए, संसार को पाने के लिए। और दे और दे और दे मालिक, कभी मेरी संतुष्टि नहीं हुई, और दे जीवन जा रहा और मांग क्या रहा। हैरान हो गए राम बादशाह, क्या गजब कहते हैं, काबे का एह तराम भी, वो पायस स्टोन जिसको चूम करके भीतर उतरा जाता है, वाह
काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है, मंदिर की मूर्ति भी मेरी नजर में है, मंदिर की मूर्ति भी प्रभा मेरी नजर में है, सर किसे जगा झुका सर किस जगा झुका तुम्हें देखने के बाद, तुम्हें देखने के बाद नरेन बाबा के द्वार पर जाकर के कहता हूं बाबा मेडिटेशन के शिखर हैं वो बाबा मेरे घर की हालात ठीक कर दे, मेरा ध्यान पीछे की ओर जाता है, घर के हालात बहुत दरिद्रता में गरीबी में पोपरनेस में गुजर रहे हैं, सारा परिवार महादरिद्रता में, ध्यान पीछे जाता है। बाबा दुनिया भर के हालात ठीक करता है तू, मेरे घर का हालात क्यों नहीं ठीक करता, मेरे घर का हालात क्यों नहीं ठीक होता तेरे से। आवा है नरेन तेरे लिए वो आवा है, सो नरेन सरेंडर अनकंडीशनल हुआ करता है, विद कंडीशन नहीं हुआ करता, अनकंडीशनल सरेंडर इज द कंप्लीट सरेंडर, वर्तमान घटित होता है उसमें, पास्ट की ओर अर्थात माइंड रहता नहीं, जहां मालिक ही मालिक रहता है, माइंड मालिक में समाहित हो गया, माइंड मालिक में उतर गया, कहां पास्ट कहां फ्यूचर, वर्तमान ही वर्तमान छा गया। सुन नरेन घर की हालत तो मैंने अपनी ना ठीक की, तेरी क्या करूंगा, काट के रख दिया, जा वापस लौट जा, अपने हालात घर के ठीक कर ले, वापस लौट जा, पास्ट के साथ अटैच्ड होने वाला, माइंड के साथ आइडेंटिफाइड होने वाला, कहां इस दिशा का दीवाना पतंगा परवाना हो सकता है, कैसे वर्तमान में प्रवेश कर सकता है, वापस लौट जा, अनकंडीशनल सरेंडर होना चाहिए, कोई कंडीशन मत लगा, जा माँ काली से मांग ले, मंदिर की मूर्ति है साक्षात माँ शक्ति खड़ी है, जा मांग ले, घर के हालात ठीक करवा ले। नरेन माइंड में फंसा हुआ पास्ट में फंसा हुआ चल ही दिया, परंतु जैसे ही माँ काली के सामने गया हैरान रह गया, सवा घंटा लगातार खड़ा रहा, वो कुछ कह ही नहीं सका, ठना सा रह गया, चारों ओर उसको बाबा ही बाबा नजर आता है, मां काली में भी बाबा, लिविंग एंटिटी, लिविंग एंटिटी। बाबा माफ कर दो, क्षमा कर दो, आहा,
क्या गजब कहती है मीरा महारानी। रैदास के द्वार पर पहुंचती ही ठनक गई। रैदास की वाइब्रेशन में, उसके ऑरा में, उसकी अल्फा वेव्स चौहर अपना सर्कल बनाया है। जैसे ही प्रवेश करती है उसके द्वार पर बिखरी हुई वाइब्रेशंस में शब्द गूंज रहा है और वह पूरी तरह से अपने विराट से जुड़ा है। उसको रिझाने में लगा हुआ है, एकदम स्टंट रह गई, ठगी सी रह गई। तंबूरा हाथ से छूट गया, हैरान हो गई, देखते ही रह गई, वहीं ठहर गई, तालमेल बैठ गया, माइंड झुक गया, सर झुक गया। आज तक गिरधर गोपाल के बिना किसी के आगे झुका नहीं था, घर में पति के आगे भी नहीं झुका था, यहां झुक गया। वारी वार राबिया कहीं नहीं झुका, एक मुर्शिद के आगे झुक गई। 16 वर्ष की राबिया, खुदा से निकाह कर लिया, मुर्शिद के द्वार सर झुका दिया। सजदे में सर झुका दिया, उठना हराम है। मेडिटेशन के शिखर हैं वो, एजुकेशन के नहीं, मेडिटेशन के शिखर हैं। आज उनके नाम पर एजुकेशन कितनी फैली है। नानक को देख लेना, छोटा सा बालक नानक, आह क्या गजब की सुरती के आलम में डूबा है। क्या करते हो, सुरती जगमगा रहा, ये भी कोई कर्म है। किसको भाएगा, किसी को नहीं भाएगा। बाहर से निकम्मा निखट यूजलेस दिखाई देगा और भीतर जगमगाता नूर जन्म ले रहा है। पिताश्री, जिस कर्म में तुम लगे हो, मैंने कभी कहा नहीं, पूछा नहीं कि आप ये कर्म क्यों करते हो। पिताश्री, आप जिस कर्म में लगे हो, जिस क्षेत्र में उतरे हो, मैंने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, कभी क्वेश्चन नहीं उठाया, आप क्यों इतनी शंका कर रहे हो। क्या आपको मेरे चेहरे से दिखता नहीं कि मैं निकम्मा निखट्टू आलसी तामसिक निद्रालू हूं या जागा जागा नूर हूं। जरा देख तो सही, मेरे कर्म को तो वही पहचान सकता है जिसके पास थोड़ी भीतर की आंख है, जिसको थोड़ी प्यास है मालिक के लिए। आप नहीं पहचान सकोगे, आप अपने कर्म में खूब खूब मेहता कल्याण देव जी पिताश्री, अपना जन्म लगा दीजिएगा, हाथ कुछ लगने वाला नहीं। तेरे ही आंगन में, तेरी ही गोदी में पलने वाला ये बालक तेरा उस कर्म को कमाना चाहता है जिसमें तुम सबका भी कल्याण हो जाएगा। प्यास कभी भी किसी के पीछे भेड़चाल होकर के नहीं चल सकती, प्यास अपने विवेक से, अपने विजडम से चलती है। वह कभी अपने माइंड को भी फॉलो नहीं करती। माइंड को अगर कोई दरकिनार कर सकता है तो एकमात्र तुम्हारी प्यास, प्यास जो किसी के साथ तालमेल बैठते ही उठ खड़ी होती है, तेरी बैकबोन में पड़ी है, किसी की वाइब्रेशन छू जाते ही वह प्यास क्रांतिकारी होकर के आती है, कांतिमय, क्रांतिमय होकर के उठती है, कांतिमय होती है। क्या गजब प्यास का आलम है। अपने भीतर ही भीतर मंदिर होता चला जाता, मस्जिद होता चला जाता, गुरुद्वारा होता चला जाता,
अपने आप में ही तीर्थ होता चला जाता है, तीर्थंकर होता जाता है। निर्माण होता है तो निर्वाण होता है। नरीन, अनकंडीशनल सरेंडर, कोई कंडीशन नहीं लगाना, जा मांग ले, नहीं मांग सका। मीरा ठन गई लिविंग एंटिटी के द्वार, किससे नजर मिला, तुम्हें देखने के बाद, तुम्हें देखने के बाद, काबे का एह तराम भी मेरी नजर में है, काबे का एह तराम भी, काबे का एह तराम भी मेरी नजर में है, सर किस जगह झुका तुम्हें देखने के बाद, बाबा तुम्हें देखने के बाद, सर किस जगह झुका तुम्हें देखने के बाद, तुम्हें देखने के बाद, अब क्या मैं गीत गाऊं तुम्हें देखने के बाद, ऐसे तुम्हें देखने के बाद, तुम्हें देखने के बाद।